स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। दिग्गज एक्ट्रेस और राजनेता जया प्रदा को शुक्रवार को चेन्नई की एक अदालत ने दोषी पाया है। उन्हें 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। कथित तौर पर उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि उन पर अपने थिएटर में काम करने वालों को ESI का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू को भी दोषी पाया गया है। जया प्रदा का चेन्नई में एक थिएटर था जो बंद हो गया। बाद में थिएटर कर्मियों ने जया के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन काटे गए और ESI के पैसे का भुगतान नहीं करने की शिकायत की। उनका आरोप है कि सरकारी बीमा निगम को ESI का पैसा नहीं दिया गया। कथित तौर पर लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जया प्रदा और उनके सहयोगियों के खिलाफ चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया। ये भी सुझाव दिया गया कि अनुभवी एक्ट्रेस ने भी आरोप को मान लिया है और मामले को खारिज करने की मांग करते हुए लंबे बकाए का भुगतान करने का वादा किया। हालांकि अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी है और जुर्माने के साथ जेल की सजा भी सुनाई। जया प्रदा 70 के दशक के अंत, 80 के दशक और 90 के दशक की शुरुआत में हिंदी और तेलुगु फिल्मों में सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। कम उम्र में साउथ फिल्मों में लोकप्रियता हासिल करने के बाद जया 1979 में सरगम से बॉलीवुड में आई और मशहूर हो गई। प्रीत लगाई सजना। उन्होंने कामचोर, तोहफा, शराबी, मकसद, संजोग, आखिरी रास्ता, आज का अर्जुन और कई तेलुगु फिल्में की। अच्छी बात है, कहते हैं दो इंसान एक साथ कुछ कहने की कोशिश करे तो घर में कोई नया आदमी आता है। जया ने अपने करियर के चरम पर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और 1994 में तेलुगु देशम पार्टी TDP में शामिल हो गई और राजनीति में कदम रखा। वो पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनी। वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। अब देखना ये होगा कि जया का अगला कदम क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।